बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, दैट इज़ क्रीमी कॉर्न चाउडर। इट्स अ वेरी टेस्टी रेसिपी। लेट्स बिगिन विद इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 2 कप्स ऑफ स्प्रिंग अनियंस, चॉप्ड फाइनली चॉप स्प्रिंग अनियंस, 1/2 kg पोटेटोज बॉयल्ड एंड डाइस्ड, 1 कप बॉयल्ड एंड श्रेडेड चिकन, 150 ग्राम स्वीट कॉर्न, एक कैन लिया था मैंने वो 150 ग्राम्स का था, 2 टेबल स्पून ऑफ बटर, 2 टेबल स्पून मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 2 क्यूब्स चिकन क्यूब्स एंड 750 ml मिल्क, या आप 3 कप्स ऑफ मिल्क यूज़ कर लें। कढ़ाई ले लेंगे, उसको गर्म करेंगे, उसमें बटर डालेंगे 2 टेबल स्पून्स और उसको मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरह। जब तक हमारा बटर मेल्ट हो रहा है तब तक हमारी चीज़ें भी रेडी हैं हमारे पास। ऐड बॉइल्ड पोटैटोज इन इट और पोटैटोज को हम फ्राई करेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक वो अपना कलर चेंज ना करें। वी जस्ट हैव टू लाइक उसका कलर चेंज ना हो, लाइट सा येलो कलर हो जाए, ब्राउन नहीं करना हमने, बिल्कुल ओवर फ्राई नहीं करना हमने इसे, जस्ट लाइटली सा फ्राई करना है। नाउ ऐड बॉइल्ड चिकन इन इट। 1 कप चिकन ले रहे हैं हम, चिकन को भी मिक्स करेंगे हम 2-3 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे। ऑलरेडी कुक्ड है हमारी चिकन भी और पोटैटोज भी। नाउ एट दिस पॉइंट व्हेन दिस स्टिरिंग इज़ डन, नाउ ऐड स्प्रिंग अनियंस 2 कप्स इन इट। ठीक है, स्प्रिंग अनियंस इसमें ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है स्प्रिंग अनियंस का। अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम इनको। यहाँ पर हमारा जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम है, बहुत लो भी नहीं रखना आपने, बहुत हाई भी नहीं करना, सो कीप इट मीडियम। Now add sweet corn in it. Corn मुझे बहुत पसंद है, I just love the flavor of sweet corn, steamed or sweet corn, whatever it is. Mix it well. अब इस पॉइंट पर हम अपना salt डालेंगे, that is 1/2 teaspoon I'm taking, क्योंकि हम cubes भी use कर रहे हैं, so keep in mind salt ज़्यादा हो जाएगा। Pepper भी add कर दिया हमने, pepper I have taken 1 teaspoon. Give it a stir, अच्छी तरह मिक्स करें अब इसे। अब हम अपना मैदा ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून्स फ्लावर और उसको मिक्स करेंगे 2-3 मिनट्स के लिए, इसको पकाएंगे ताकि मैदा का कच्चापन जो है वो ना रहे। अच्छी तरह मिक्स करें वेजिटेबल्स में इसको। नाउ थोड़ी सी स्पेस बनाएं, अब आपने अपने क्यूब्स ऐड करने हैं, तो क्यूब्स ऐड करेंगे और उसको स्पून से ही क्रश करें, क्योंकि अभी जब आप इसमें मिल्क ऐड करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली ये उसमें डिसॉल्व हो जाता है, तो वैसे उसको क्रश कर लें आप एंड देन मिक्स इट विद द वेजिटेबल्स। नाउ अब आपने अपना फ्लेम जो है वो लो कर देना है एंड देन स्टार्ट एडिंग मिल्क, और मिल्क आपने आहिस्ता आहिस्ता डालना है ताकि कोई लम्प्स जो हैं वो ना बने और आपका जो बैटर है बहुत स्मूथ रहे, जो आपका मिक्सचर बनेगा आपका स्मूथ होना चाहिए, लम्प्स नहीं होने चाहिए उसमें। तो उसमें फ्लेम जो है आपका लो होगा, आहिस्ता आहिस्ता मिल्क डालें और उसको मिक्स करते जाएँ अंटिल इट थिकन्स। कीप मिक्सिंग, अच्छी तरह मिक्स करें इसे। अब इस टाइम पे हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है डिश आउट करने के लिए, इट्स रेडी, बहुत अच्छा थिक। चलिए इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैमिली के लिए बनाए, बहुत बहुत टेस्टी है, यमिलिशियस। थोड़े से कॉर्न मैंने सेव कर लिए थे गार्निशिंग के लिए, गार्निश करें इसको। And if you like my video, please subscribe करें, share it with your friends, hit the bell icon for more videos, updates. आपके right side के ऊपर ही subscribe का button है, please subscribe it. I hope you like the video, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर, thank you so much, अल्लाह हाफिज़।